ये आप देख सकते हैं अल्लाह वाला बिरयानी की तरफ थे हम लोग, और यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सा एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, और ये रेस्टोरेंट अभी न्यू ओपन हुआ है, 6 मंथ हुए हैं इसको। और इसकी मैं लोकेशन अगर बताऊँ तो ये रेस्टोरेंट है आपका दस्तगी की तरफ, ये आप देख सकते हैं उस तरफ जावेद निहारी की, जावेद निहारी की तरफ है, उसके साथ ही है आपका ये अल्लाह वाला बिरयानी, और ये इसकी ब्रांच है, अल्लाह वाला बिरयानी वाले जो है उनकी ब्रांच है। ये देख सकते हैं गाइस कितने मज़े का एक फिंगर बर्गर आ गया है, और ये आप चेक करें कितना ज़बरदस्त लग रहा है पुलाव, देख के पानी आ रहा है, वो ज़बरदस्त, क्या बेहतरीन किस्म की बिरयानी है वो, इसको ट्राई करना बनता है भाई, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत यूनिक सा है, और प्राइस काफ़ी मुनासिब कीमत में ये सारी चीज़ें दे रहे हैं। और ये उसके बाद हम कैटल फार्म हाउस गए, और यहाँ पे हमने काफ़ी डिफरेंट तरह के जानवर वगैरह के रेट वगैरह मालूम किए, बहुत सारे जानवर आए हुए थे, लेकिन ये था कि आप यहाँ पर आएँ तो आपको ढूंढना पड़ेगा, तो आपको काफ़ी अच्छे और मुनासिब कीमत पे आपको काफ़ी अच्छे जानवर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, और जानवर काफ़ी ज़्यादा हैवी थे और काफ़ी ज़्यादा बड़े जानवर थे। आज हमने अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं हाईवे की तरफ, और हमारा इरादा था कि सुबह का नाश्ता वगैरह करेंगे और किसी कैटल फार्म हाउस, किस जगह जाने का था यार ये, हम आगे कैटल फार्म जा रहे हैं जहाँ पे सारे जानवर होते हैं बड़े बड़े फार्म के, तो ये बिल्कुल हाईवे पे टोल प्लाजा से थोड़ा सा पहले नाश्ते का प्रोग्राम भी है, और हाईवे की तरफ हम लोग निकले हुए हैं इस टाइम पे, और मेरे खाते टाइम का 11 बज चुके हैं, मेरे से 11 बज चुके हैं, और बाकी ये कि देखते हैं कोई सी जगह पे नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर इंशाल्लाह फिर किसी कैटल फार्म हाउस वगैरह पे जाके वहाँ पे जानवर वगैरह के रेट वगैरह मालूम करेंगे कि क्या चल रहा है अभी इस टाइम पे। मेरे खाते 3-4 दिन रह गए मेरे खाते बकरीद में, एक हफ्ता रह गया। बस ये है कि हम लोग रास्ते में ही हैं, और बस ये है कि उस जगह पे पहुँचने वाले, बस निकलते हैं, वहाँ पहुँच के आपको दिखाता हूँ। चले इस समय मौजूद हूँ पार्क एशिया कैटल फार्म में, और मैं भी आपको नज़र आ रहा हूँ, काफ़ी सारे जानवर आपको इस वक्त नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये सामने एक जानवर आपको नज़र आ रहा होगा, इस तरह में इसकी मैं आपको प्राइस बताऊँ तो ये 320 का है, इसका आप साइज़ चेक करें और काफ़ी मुनासिब में दे रहे हैं, ये 320 के हिसाब से, और ये 320 का है, और वहाँ पर एक आपको एक नज़र आ रहा होगा एक जानवर ब्लैक कलर में, ये तकरीबन 11 तक का है, 11 लाख का। और साथ में अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ एक जानवर और, ये वाला, ये आपको पड़ेगा तकरीबन 4 तक का पड़ेगा ये जानवर, ये 4 लाख का है, यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये 4 लाख का है ये वाला, और ये कुछ और यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, और डिफरेंट डिफरेंट प्राइस हैं, और यहाँ पे जो है ये मेरा भी कुछ जगहों का सबसे बड़ा जानवर, हाँ ये तकरीबन 11 लाख का ये जानवर इस टाइम जो आपको नज़र आ रहा है, काफ़ी बड़ा हैवी जानवर है। अच्छा सामने एक दिखाओ, वो थोड़ा सा पिंक कलर का जानवर है, थोड़ा कलर इसका चेंज लग रहा है, उसको कौन सी नस्ल का है वो सामने जो है, मेरे ख्याल से ये शायद पहाड़ी बुल है, अच्छा ये बुल है से शायद, बिल्कुल चेंज था, पहाड़ी इलाकों में होते हैं ज़्यादातर, खुर्राट होते हैं बहुत ज़्यादा, अच्छा पहाड़ी इलाकों में होते हैं ज़्यादातर, ये वही वाले जानवर होते हैं जो पहाड़ी कपड़ा देख के आके मार देते हैं, अच्छा ये वाले, अच्छा 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 वही रेड कपड़े देखे आप देख ले, और कुछ और जानवर भी आपको नजर आ रहे होंगे, काफ़ी बड़ा सा कैटल फार्म है, यहाँ पे डिफरेंट तरह की प्राइस वगैरह हैं, और ये शुरू में मुझे एक जानवर नज़र आया था 3 लाख का, काफ़ी अच्छी कीमत में आपको दे रहे हैं, काफ़ी मुनासिब कीमत में, मंडी से बहुत सस्ता है। चलिए ये दूसरा फार्म नज़र आ रहा होगा आपको इस वक्त, कि मग डेयरी एंड कैटल फार्म है, यहाँ पे जाके कुछ रेट वगैरह मालूम करते हैं कि क्या रेट वगैरह चल रहे हैं यहाँ के, प्राइस वगैरह, यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी सारे जानवर हैं जो आपको नज़र आ रहे होंगे इस टाइम पे, और इस टाइम पे अभी रश नहीं है, शाम के टाइम रश वगैरह बढ़ जाता है लोगों का। अस्सलाम वालेकुम भाई, कितने का ये जानवर भाई, आपको मिल जाएगा कितना, 15 लाख रुपये का जानवर है, ये आप चेक करें, नस्ल कौन सी है, साहिवाल वाली, साहिवाल का ये जानवर, और 15 लाख रुपए का जानवर है ये, आप चेक करें, और साथ में कौन सा खड़ा हुआ है, ये वाला, ये 10 लाख रुपए का है, साइज आप चेक करें, ये 10 लाख रुपए का, और ये साथ में जो ब्लैक खड़ा हुआ है ये वाला सेम है, ये भी 10 लाख रुपए का है, सारे जानवर आप देख सकते हैं काफी हैवी हुए हैं। अच्छा इस टाइम पे ये व्हाइट वाला जानवर दिखाओ, ये व्हाइट वाला, ये वाला कितने का है, ये 7 लाख रुपये का, ये थोड़ा सा ये आप देख रहे हैं 7 लाख रुपये का, वो जानवर बड़ा खूबसूरत लग रहा है, ये वाला जो रखा हुआ है ये जानवर काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये जानवर चेक करें, ये कितने का है, ये वाला जानवर बड़ा अच्छा लग रहा है, ये वाला, ये आप जानवर देखें 10 लाख रुपये तक का जानवर है ये,
और इसकी खूबसूरती आप चेक करें, माशाल्लाह से बड़ा प्यारा जानवर लग रहा है, बड़ा ही बड़ा खूबसूरत जानवर है। हाँ ये खुरवाट लग रहा है ये थोड़ा सा ना, लेकिन है बड़ा प्यारा माशाल्लाह से, काफ़ी खूबसूरत जानवर है देखने में। और 10 लाख रुपये गए जी, 8 टक में काफ़ी शायद आ जाए। आई चले आप इस टाइम आप देख सकते हैं मैं अल्लाह वाला बिरयानी की तरफ मौजूद हूँ। ये दस्तगीर के अंदर ये रेस्टोरेंट बना हुआ है और काफ़ी ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है। यहाँ पे इनके पास हर तरह की आपको चीज़ें वगैरह मिल जाएगी। यहाँ पे आपको सिंगर बर्गर, फास्ट फूड, बिरयानी, पुलाव, हर चीज़ है यहाँ पे। अच्छा सामने जो है ना आपको नज़र आएगा, सामने थोड़ा सा आगे ये आपका जावेद बिरयानी है, उसके साथ ही ये आपका रेस्टोरेंट बना हुआ है अल्लाह बिरयानी वाले के नाम से। वो ऐसे नहीं ले रहा, बहुत तेज ले रहा है। रेडी चले, फाइनली मैं इस जगह मौजूद हूँ, दस्तगीर की तरफ है हम लोग, और मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा अल्लाह वाला बिरयानी। और बेसिकली हम लोग प्रोग्राम भी था कि नाश्ता करते, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया था, इस वजह से हम लोग लंच करने यहाँ पर आ गए। वैसे इनकी बिरयानी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, इसी पर यहाँ पर ट्राई करने वाले हैं। इसके अलावा इनका फास्ट फूड भी है, तो बस करके अंदर बात करते। ये हम लोग अंदर आ चुके हैं और इस टाइम आप देख सकते हैं यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे प्राइस बैनर वगैरह लगे हुए हैं, और इनकी जो डील्स वगैरह चल रही है उनकी डील्स वाले की यहाँ पे अलग अलग तरह की प्राइसेस वगैरह हैं, जो काफ़ी मुनासिब कीमत में आपको दे रहे हैं। लेकिन इनका जो टेस्ट है ना वो काफ़ी ज़बरदस्त है, और यहाँ आप देखें इनकी बिरयानी बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्त लग रही है देखने में। अल्लाह वाले की जो बिरयानी है ना वो काफ़ी ज़बरदस्त होती है और काफ़ी मज़ेदार होती है। और ये जो प्लेट हमारी तैयार हो रही है तकरीबन 320 रुपये की ये प्लेट है, और बहुत ही ज़बरदस्त है, जायकी में बहुत लाजवाब है। और दूसरी तरफ मैं अगर आपको लेके चलूँ तो यहाँ पर हमारे जो है वो पुलाव वगैरह तैयार हो रहे हैं, और इनके पुलाव भी काफ़ी अच्छे होते हैं, बीफ पुलाव। लेकिन मैं अगर रिकमेंड करूँ ना पुलाव से ज़्यादा, मुझे इनकी बिरयानी बहुत ज़बरदस्त लगती है। वैसे देखने में इनका पुलाव भी काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है, और इसके मैं अगर प्राइस बताऊँ तो ये 400 की है, तो 400 के हिसाब से इनका पुलाव है, दो मतलब खा सकते हैं एक बंदे के लिए। दूसरी तरफ मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे मैंने एक जिंगर बर्गर भी ऑर्डर किया था, इनके जिंगर वगैरह भी काफ़ी ज़बरदस्त हैं। और ये कुछ यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे फ्राई हो रहे हैं, और ये फ्राइज़ वगैरह हैं यहाँ पे कुछ, और बाकी एक हमारी जिंगर वगैरह की जो है ये आपको चिकन वगैरह नज़र आ रही है, काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है देखने में। दूसरी तरफ मैं दिखाऊँ तुम्हारा ये बर्गर तैयार हो रहा है, जिंगर बर्गर काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। इन्होंने इसके ऊपर से केचप वगैरह डाल दिया है, गार्लिक सॉस है इसके, पहले इन्होंने सॉस डाली थी वाइट कलर की, उसके बाद पेटी डाली, उसके बाद उन्होंने केचप डाला, फिर दोबारा वाइट उन्होंने सॉस डाली। और इसके अलावा अगर मैं दिखाऊँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, इनके जो टेस्ट होते हैं ना वो काफ़ी ज़बरदस्त होते हैं, और बहुत ही बेहतरीन किस्म के टेस्ट होते हैं, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, और ज़बरदस्त होता है जायका वगैरह। ये इनका कुछ साफ़ सुथरा सा इनका किचन है, काफ़ी अच्छा सा इन्वायरमेंट है, और ये इनको अभी 6 मंथ हुआ है यहाँ पर इनको ये रेस्टोरेंट ओपन किए हुए, वैसे तो काफ़ी पुराना है। बाकी इन्होंने इनको पत्ता लगा दिया, और ये हमारा जो जिंग बर्गर जो है वो रेडी हो चुका है, और इसको उन्होंने बीच से हाफ़ कर दिया, और फाइनली अब वो बारी है इसको थोड़ा सा गार्निश वगैरह करेंगे, इसके ऊपर ये बर्गर वगैरह आ जाएंगे, और फिर फ्राइज़ आ जाएंगी, और चटनियाँ वगैरह जो इनके साथ होती हैं कोल्सलो वगैरह वो सारी चीज़ें इसके साथ आ जाएंगी। देख फाइनली आप देख सकते हैं हमारा जो है चिकन बिरयानी, बीफ पुलाव, और साथ में जिंगर बर्गर वगैरह सब आ गया रेडी हो गया। अब इसको ट्राई कर लेते हैं बना हुआ कैसे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिरयानी इनकी काफ़ी ज़बरदस्त लग रही थी देखने में, इसको ट्राई करते बनी हुई कैसे। बेहतरीन बनी हुई है, जैसी बिरयानी होती है ना उसका टेस्ट जैसी ही है, बिरयानी जैसा है, मतलब खाने में काफ़ी अच्छी लग रही है, बहुत मजे का बना हुआ बिरयानी, काफ़ी अच्छी है इनकी टेस्ट में, कैसी है बेहतरीन है बिल्कुल, बिरयानी जैसा टेस्ट है। भैया पहली बार के लिए बिरयानी बनी हुई कैसे, बहुत मज़ेदार बनी है, कलर भी आपको पता लग जाएगा बेहतरीन। अब इनके पुलाव ट्राई करता हूँ, पुलाव कैसे बने हुए, बीफ पुलाव है, बीफ कॉफी भी काफ़ी देखने में अच्छे लग रहे हैं, मेरे चावल काफ़ी अच्छे वाले यूज़ किए और सही है। तो मैं पुलाव लवर है नहीं। अच्छा ट्राई करो,
नहीं यार, उनकी पुलाव भी टाइट है। तो क्या बोल रहे हो? टू बी ऑनेस्ट, बिरयानी के सामने मुझे कुछ नहीं दिखता। अच्छा, नहीं मोस्टली लोगों को बिरयानी ज़्यादा पसंद होती है, डायरेक्ट पुलाव में। देखिए पुलाव की अपनी जगह, अपनी जगह बात है, पुलाव भी काफ़ी बेहतरीन बने हुए, काफ़ी अच्छे बने हुए। और क्या जब फिंगर वगैरह ट्राई करने को। अच्छा, मुझे कोई खास, मुझे कोई खास पसंद नहीं है ये जो मुझे पत्ते लगाती है, मैं पत्ते निकालते तो माइंड नहीं करे। चलो तुम ऐसे ट्राई करो। बाकी ये चेक कर लें, इनकी पेटी वगैरह जो ना काफ़ी हैवी है, तो इन्होंने यूज़ किया इसके अंदर, काफ़ी हैवी है, उसको ट्राई करके बने रखा। चले जब ये भी ट्राई करें, काफ़ी बेहतरीन बना है ये। इनका सिंगर भी जो है ना काफ़ी ज़बरदस्त है, और पैसे में अगर बताऊँ तो 320 रुपये के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, टेस्ट काफ़ी अच्छा दिया है इन्होंने। ओवरऑल पैकेज बताऊँ मुझे काफ़ी बेहतरीन लगा है। मेरे से 320 रुपये की बिरयानी है, 400 रुपये का पुलाव है, 320 रुपये का ही है, तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो काफ़ी अच्छा टेस्ट, काफ़ी अच्छा है इनका, बेहतरीन टेस्ट है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देगा, तो शेयर कर देगा और हमें सपोर्ट कर देगा।